केंद्र सरकार द्वारा समाज के कमजोर गरीब तबके के लिए शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना का भिंड जिले में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। बीमार हितग्राहियों को 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा देने वाली यह योजना लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हुई है। योजना के क्रियान्वयन को लेकर जिले के हर सरकारी अस्पताल में हेल्प डेस्क काम कर रही है, जो हितग्राहियों का पूरा विवरण लेकर उन्हें योजना के तहत पंजीकृत करते हैं। इस कैशलेस योजना का लाभ लेते समय मरीज को शासकीय और गैर शासकीय अस्पताल में एक भी पैसा खर्च नहीं करना होता। आयुष्मान योजना के हितग्राहियों की सुविधा के लिए भिंड जिले में 4 आयुष्मान मित्र और एक जिला समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। इनके माध्यम से आयुष्मान भारत योजना की जानकारी और लाभ हितग्राहियों तक पहुँचाया जा रहा है। जिले में अब तक 354 हितग्राहियों को इस योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की गई है। योजना का लाभ उठा रहे हितग्राही केंद्र सरकार की इस योजना को गरीब और कमजोर वर्ग के लिए काफी फायदेमंद बता रहे हैं। जी सर, भाभी जी हैं, क्योंकि ये हमारी भाभी जी का पैर टूट गया था सर, इसलिए जो हम इनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, क्योंकि ये आयुष्मान योजना है सर जो भारत सरकार ने निकाली है। इस योजना से हमको बहुत लाभ मिला, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा तो नहीं था सर, इसलिए हम यहाँ पर ले आए, क्योंकि इस योजना से हमको हर एक चीज़ से, दवाई से, सब चीज़ से मेरे को लाभ मिला है सर। मैं यही बताना चाहूँगा कि हर एक गरीब भाई को ये इस योजना का लाभ लेना चाहिए, जो भारत सरकार ने योजना निकाली है सर। आयुष्मान भारत योजना हमारे ज़िले में करीब जो हैं 4 हमारे पास आयुष्मान मित्र हैं और एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है। ये सब लोग वार्डों में जाके आयुष्मान के बारे में जो भी हमारे हितग्राही आ रहे हैं, जो भी पेशेंट आ रहे हैं, उनके परिजन आ रहे हैं, उनको समय समय पर जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। और जो भी भर्ती मरीज हो रहा है उनका एक बेनिफिशरी सिस्टम, एक कार्ड बनाया जा रहा है, उस कार्ड के तहत हम आयुष्मान भारत योजना में लोगों को फायदा दे रहे हैं।